अम्बाला सेंट्रल जेल में महिला कैदी को गोली लगने का मामला पहेली बनकर रह गया है। जेल में गोली कहां से लग गई, इसको लेकर पुलिस अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। मामले को 2 दिन बीत गए हैं, इसलिए खुद मौके देखने पहुंचे अनिल विज अम्बाला सेंट्रल जेल पहुंच गए और उन्होंने जेल का निरीक्षण किया। अनिल विज ने महिला वार्ड में पहुंचकर पूछताछ की और जेल प्रशासन से भी सवाल किए, जिसके बाद अनिल विज ने महिला के ठीक होकर वापस आने पर सीन रिक्रिएट करवाने के आदेश दिए। विज ने कहा, मामला गंभीर है, इसकी जांच की जा रही है, सीन ऑफ क्राइम टीम भी लगी हुई है, गोली कहां से आई ये क्लियर जरूर किया जाएगा। आपको बता दें, अम्बाला सेंट्रल जेल में गोली कहां से आई, किसने चलाई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जेल के स्टाफ और जेल की चेकिंग व जेल के सीसीटीवी कैमरे भी इसमें कोई मदद नहीं कर पाए। एसपी जेल ने भी अभी किसी निष्कर्ष पर ना पहुंच पाने की बात कही है। नहीं, वो जो महिला को अंदर गोली लगी है उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि भाई कहाँ से लगी गोली, ये गोली कहाँ से आई, तो उसके लिए अब हमारी बैलिस्टिक एक्सपर्ट टीम भी आई हुई है और मैंने इनको कहा है कि सीन रिक्रिएट करके देखो कि किस दिशा से गोली आई। उसी महिला को यहाँ अगर वो ठीक हो गई हो अस्पताल में तो ला कर देखा जाए कि गोली किस डायरेक्शन से आई और उस डायरेक्शन से कैसे आ सकती है, ये देखना चाहिए। दूसरा, सारी जेल की मैंने सर्च करने के लिए कहा है, क्योंकि ये बड़ा संगीन मामला है कि पता ही नहीं लग रहा कि गोली कहाँ लगी और आफ्टर गोली तो आई है और वो सारा ढूंढना। एसपी साहब भी हमारे पूरी तरह से लगे हुए हैं, टीम भी बना रखी है इसकी, और इसको ये चैलेंज केस है पर इसको हमारी पुलिस सोल्व करेगी। अभी तो किसी नतीजे पे दिखाई देगी? नहीं, अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा। गोली भी काफ़ी बड़ी थी और अगर नज़दीक से होती तो नहीं, वो सारे चीज़ें मैंने खुद देखी हैं कि कहाँ वो जिसको लगी है गोली वो खड़ी थी और गोली किस दिशा से आई है, वो तो अब उसका पैर देख के ही पता लगेगा और उस दिशा में आगे क्या है, क्या वहाँ पर कोई चढ़ के गोली मार सकता है, क्या हो सकता है, जो भी है हम इसको बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं और मेरी पुलिस इसको सोल्व करेगी। ट्रेनिंग में आर्मी की चल रही हो? नहीं, कोई अंदाजा लगाना ठीक नहीं है, और गोली जो है ना वो हमेशा सीधी आती है, वो पैराबोलिक नहीं आती। देखो, अभी ये जो मैटर है इसमें फॉरेंसिक की टीम भी आई है और प्रॉपर सर्चिंग तो हमने करवाई दी है और आज माननीय होम मिनिस्टर साहब ने भी आदेश दिए हैं, पूरी जेल की तलाशी भी हम करवा रहे हैं, पुलिस भी बड़ा सहयोग कर रही है, एसपी साहब भी आए हुए थे और अभी जो एक्सपर्ट आए हुए हैं उसके बाद एक्सपर्ट ही डिसाइड करेंगे कि किस रेंज से कितनी दूरी से वो आई थी और किस वेपन्स की थी वो बुलेट, उसके बाद ही डिसीजन ले सकते हैं। इंसिडेंट के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी है क्योंकि सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। वो जो फीमेल है जिनके चोट लगी है वो भी एडमिट है, उसके बाद जो एक्सपर्ट हैं उनसे फीमेल से भी पूछेंगे, बाकी मंत्री जी खुद फीमेल वार्ड में गए थे, जो महिलाएं वहाँ धूप में बैठी थी उनसे सबसे पूछताछ करी, पूछा उनसे और पर्सनली उन्होंने देखा है कहाँ बैठे थी, कहाँ खड़ी थी, सब कुछ देखा उन्होंने, सारी चीज़ें कर दी। हाँ, सीसीटीवी कैमरा की सारी फुटेज एसपी साहब स्पेशल साइबर की टीम लगी हुई है, सीआईए की टीमें लगी हुई हैं और सारा देख रहे हैं, पूरी तह तक जाएंगे, पूरी जांच कर रहे हैं और माननीय होम मिनिस्टर साहब ने भी ये आदेश दिए हैं कि इसकी प्रॉपर जाँच होनी चाहिए, गहनता से जाँच होनी चाहिए और इसका जो रियलिटी है वो बाहर ज़रूरी है आना, और हम भी यही चाहते हैं इसकी सच्चाई सामने आए और जो भी है ये चीज़ बड़ी सेंसिटिव चीज़ है ये, और ये बिल्कुल ज़रूरी है, शॉर्ट आउट होना चाहिए।